जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं या हमें कोई प्रणाम करता है, तो अनायास ही हमारे मुंह से निकलता है, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, सदा सुखी रहो। ये जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मुंह से निकलते हैं ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये दुनिया के सबसे कीमती शब्द हैं। आजकल हम इन बातों को महत्व देना बंद करते जा रहे हैं, पर यकीन मानिए, जो प्रणाम के जवाब के रूप में आशीर्वाद हमें मिलता है या हम किसी को देते हैं, वो 100% चमत्कारिक शब्द होते हैं, बेशकीमती शब्द होते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए यहाँ पे फ्रेंड, मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मखाने से और लाई से मैं आज बनाऊँगी मस्त नाश्ता, और आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपको पसंद आएगा उम्मीद करती हूँ। और देखिए मखाने को अच्छे से फ्राई करना है घी में, और मैंने घी में अच्छे से फ्राई किए थे, और यहाँ पर डाल दी मैंने लाई, एक कटोरी थी उससे ज़्यादा। यहाँ पर हरी मिर्च, टमाटर डाल देंगे, इन्हें भी अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल सकते हो आप। मैं यहाँ पर डालूँगी मसाला, जलजीरा मसाला डाल दूँगी थोड़ा सा, ये मेरे पास रखा हुआ था गोलगप्पे का, ये मैंने डाल दिया यहाँ पर जलजीरा पाउडर। यहाँ पर मैं डाल दूँगी नींबू, मेरे पास नींबू भी है फ्रेंड, आप इस तरीके से एक बार चाट बना कर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नींबू निचोड़ दिया है, अच्छे से ये बन गई है। इसमें डालूँगी अभी मैं बूंदी, और थोड़ी सी नमकीन हो आपके पास वो भी डाल सकते हो आप डेकोरेट के लिए, और खाने के लिए टेस्टी लगता है। और देखिए फ्रेंड मेरा नाश्ता यहाँ पे तैयार हो गया सुबह का, तो आइए फ्रेंड आप भी कर लीजिए सुबह का नाश्ता, मैं यहाँ पे कर रही हूँ। देखिए बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, उसी के बाद में पूजा पाठ और नाश्ता करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर कर लेती हूँ नाश्ता, बाद में आपके साथ जो भी बनाऊँगी रेसिपी। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, निवलोंग में आपका स्वागत है फ्रेंड, एक अच्छे से स्वागत है। और देखिए मैं यहाँ पे अभी लंच तो मैंने कर लिया है, यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ शिमला मिर्च, और मैं लिस्सू की सब्जी बनाने वाली हूँ आलू के साथ। तो मेरा ब्लॉग कुछ प्यारा सा ब्लॉग है, पूरा देखना, बीच में स्किप मत किया करिए, पूरा देखा करिए। तो फ्रेंड चलिए मैं इनको कट कर लेती हूँ, बाद में सब्जी बनाती हूँ, और पूरा ब्लॉग देखना, पूरा सपोर्ट कीजिए मुझे। तो फ्रेंड चलिए मैं इसको ना अभी कट कर लेती हूँ, बाद में आपको दिखाती हूँ। आपका मेरा सुविचार कैसा लगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हम किसी से नमस्ते या झुककर आपसे प्रणाम करेंगे तो उनसे तो हमें वापसी में आशीर्वाद ही मिलता है, तो ये ना अच्छी सीख है, ये सभी को करना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा, हमें उनसे नमस्ते करना चाहिए फ्रेंड। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिए थे शिमला मिर्च, आलू, मैंने यहाँ पे ना रोज़ की सब्ज़ी से थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है, उनमें मैं इनको पहले फ्राई करूँगी थोड़े से, हमें ना इसको पका लेना है तेल में ही, बाद में हम इसमें ना टमाटर मिर्च का बाद में तड़का लगाएंगे, जैसे दाल में लगाते हैं, मैं उसी तरीके से आज बना रही हूँ। पहले हम इन्हें पका लेंगे अच्छे से, यहाँ पर कम से कम इनको 20 मिनट लगे थे पकने में, तो देखिए उतनी देर में ये पकेंगे। उतनी देर में यहाँ पर अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, अपना काम में साथ के साथ निपटाते जाती हूँ, क्योंकि ना बच्चों का फिर आने का टाइम भी हो जाता है स्कूल से, फिर वो आ जाते हैं, उनके आने के बाद मैं थोड़ा सा देर में कर पाती हूँ उनकी ड्रेस उतारना, उन्हें खाना खिलाना दोपहर का, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि उनके आने के पहले ही मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड फटाफट से यहाँ पर बर्तन साफ़ करती हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपी बनाऊँ, अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को पसंद आए। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, पूरा ब्लॉग देखा करिए, बीच में स्किप मत करिए। और देखिए मैंने यहाँ पे मेरे जब तक मैंने बर्तन साफ़ किए, यहाँ पे मेरे शिमला मिर्च आलू फ्राई हो गए थे अच्छे से, और तेल भी उसी में रह गया था, उसी तेल में मैंने यहाँ पे जीरा छोड़ दिया है, उसी में मैं यहाँ पर डाल दूँगी हरी मिर्च, और टमाटर भी डाल दूँगी, इन्हें भी अच्छे से फ्राई करूँगी।
इस तरीके से आप सब्जी बनाते हो ना, मिक्स वेज हो या ये ऐसी शिमला मिर्च आलू हो, टेस्टी बनता है, टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम तेल लगा तो थोड़ा सा मैंने और भी तेल डाल दिया है। यहाँ पे मैं टमाटर डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं सारे मसाले, जो भी हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सारे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। पहले यहाँ पे मैंने डाल दिया नमक, अच्छे से इनको भी भूनूंगी। टमाटर को अच्छे से भूनना है, हमारा मसाला अच्छा भुनेगा तभी तो हमारी सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाना और वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसी लग रही है रेसिपी। अब अच्छे से मिक्स करना है इनको, अच्छे से बनेंगी ये सब्जी हमारी। इस तरीके से आप बनाओगे, एक बार बना के देखना इस तरीके से। शिमला मिर्च जो भी नहीं खाएगा वो भी खाएगा, इस तरीके से आप बना के देखिए सब्जी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और मैंने सिंपल सी सब्ज़ी नहीं बनाई है, थोड़ी अलग हटके बनाई है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कितनी अच्छी सी लग रही है और खाने में भी उतनी टेस्टी थी। फ्रेंड इस वीडियो को यहीं एंड कर दूँगी और कल मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।